अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, ये वीडियो बेसिकली है ऐसे लोगों के लिए जो कि अपना इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं, लेकिन ये है बिल्कुल सिंपल उन लोगों के लिए जो कि सिंपल एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मींस कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कोई प्रॉफिट आता हो, उसके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, यानी कोई बिजनेस करता हो, या उसके पास कोई सेविंग बैंक अकाउंट हो जहाँ से उसको प्रॉफिट मिलता हो, ये उनके लिए नहीं है। ये सिंपली सिंपली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, बस डेट्स इट। ठीक है, सबसे पहले आपको 19 बनाना होगा, उसके बाद जो है आपको IRIS FBR.gov वेबसाइट पर आना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे, आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप जाएंगे डिक्लेरेशन पे, यहाँ पे आप देखें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो कि सैलरी वाले हैं उनको सिंपली नॉर्मल रिटर्न पर जाना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये स्क्रीन आ गई। ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे सिलेक्ट पीरियड। ठीक है, आपने क्या करना है, पीरियड पर आएंगे, पीरियड पर क्लिक करेंगे। अभी पूछ रहे किस साल का आपको रिटर्न फाइल करना है, आपको 2021 का फाइल करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखें आपके पास ये स्क्रीन आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है कि भाई ये पीरियड है, इस साल का आप टैक्स फाइल कर रहे हैं और ये ड्यू डेट है। ठीक है, अच्छा ये ख्याल रखें कि ये इसको फिल करने के दो सेक्शन होते हैं, एक 114, ठीक है, और एक होता है 116। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके पास मेन स्क्रीन आ गई, आपने सिंपली जाना है एम्प्लॉयमेंट पे और सैलरी पे क्लिक करना है। तो ये स्क्रीन आपके उस पहले से खुली हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको आपको वो सैलरी लिखनी है जो आपकी कंपनी ने आपको एक टैक्स सर्टिफिकेट दिया होगा। ठीक है, उस सर्टिफिकेट पे आपको एक लमसम अमाउंट आ रही होगी, वो आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास एक एक्सेल की मैंने एक डमी फाइल बनाई हुई है। ठीक है, देखें ये है 114 जो कि सेक्शन ऑलरेडी हमारे पास खुला हुआ है, ये है एम्प्लॉयमेंट सैलरी, एम्प्लॉयमेंट सैलरी दिस, कोड है 1009 1009। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट मैं जिस क्लाइंट का भर रहा हूँ उसमें उनके पास सैलरी कितनी मिली है, उनको सैलरी एज़ पर टैक्स सर्टिफिकेट गिवन का बाय कंपनी 800678, वो मैं यहाँ लिखूँगा 800678। ठीक है, इसको लिखने के बाद मैं कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा, तो देखें यहाँ पे वो अमाउंट लिखी हुई आ गई। ठीक है, ये लिखने के बाद अब यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपको मेडिकल अलाउंस हर महीने मिलता है कंपनी की तरफ से, ठीक है, तो मेडिकल अलाउंस जो होता है उस पर टैक्स जो है नहीं डिडक्ट होता। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपको ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। ठीक है, इसके अंदर आपका बल्कि आप उसको छोड़ दें, बिल्कुल सिंपल रखते हैं, ये आपको सैलरी मिल गई। ठीक है, ये आपने यहाँ पर सैलरी एंटर कर दी, कैलकुलेट पर क्लिक कर दिया। याद रखें कैलकुलेट पे हमेशा 2 से 3 दफ़ा क्लिक करना होता है ताकि वो कैलकुलेशन पकड़े। ठीक है, यहाँ पे आपने सैलरी एंटर की, यहाँ पे अब आपने इसको इस तरह से किया, अब आपने डायरेक्ट आना है टैक्स चार्जेबल पेमेंट पे। ठीक है, इस पर आपने क्लिक किया, अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले चलते हैं एडजस्टेबल टैक्स पे। ठीक है, ये आप आ गए एडजस्टेबल टैक्स, ये एक बड़ी सी स्क्रीन आ गई। ठीक है, इसमें आपने नीचे आ पाएंगे। ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। ठीक है, जिसका ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे कहाँ से वैल्यू आएगी, यहाँ पे वो टैक्स आएगा, वो नंबर आएगा जो आपको जो टैक्स सर्टिफिकेट अभी कंपनी ने आपको दिया है
उसमें एक टैक्स की अमाउंट लिखी हुई होगी, जैसे सैलरी अमाउंट लिखी हुई थी वैसे ही टैक्स की अमाउंट लिखी होगी कि कितना टैक्स कटा है। ठीक है, इनका टैक्स कितना कटा है, 4135, 4135 मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, कैलकुलेट पे क्लिक किया। अच्छा देखें, एक दफ़ा मैंने क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, तो एक और दफ़ा क्लिक करेंगे तो एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा क्लिक करना होता है। ठीक है, ये भी कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे, सॉरी नीचे आप आएंगे, यहाँ पे अब आप देखें एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस। फ़र्ज़ करें आपने कोई गाड़ी ख़रीदी, बाइक ख़रीदी, उसकी आपने रजिस्ट्रेशन पे की। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे आपने व्हीकल नंबर डाला, फ़र्ज़ करें ABC A123 है आपका, ये प्राइवेट आपने लिया है, आपने फ़र्ज़ करें होंडा CT70 ली है आपने। ठीक है, यहाँ पे आप उसका मॉडल लिख दें, 2021 का अगर मॉडल है। ठीक है, इंजन नंबर लिखते हैं, चेसिस नंबर लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख के ओके कर देंगे तो यहाँ पे एक टैब खुल जाएगा और आप उसमें अमाउंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास नहीं है तो इसमें मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, अब आप आ जाइए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अब देखें इलेक्ट्रिसिटी बिल इनका क्या है, इन्होंने पूरे साल में कितने रुपए का टोटल बिल भरा, 42,270, और उस पर टैक्स कितना कटा उनका, 5969। अच्छा, ये जो अमाउंट है यानी आपके पास पूरे 12 महीने का बिल होना चाहिए फिजिकल फॉर्म में, यानी आपके पास जो मंथली बिल आता है उसको संभाल के रखा करें। ठीक है, भले आप उसको ऑनलाइन पे कर रहे हैं, जैसे पे कर रहे हैं, आप उसको संभाल के रखें ताकि यहाँ पे डाटा एंटर करते वक्त आपको एज अ प्रूफ सारे बिल को स्कैन करके या तस्वीर खींच के उसकी PDF फाइल बना के अटैचमेंट भी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप शो कर रहे हैं कि आपने इतनी अमाउंट का बिल भरा है और इतना आपने टैक्स दिया है उस पर, तो आपको एज अ प्रूफ ये लगाना होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा है इसमें भी यही होगा कि आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है, सॉरी कमर्शियल नहीं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक है ना, इस पर क्लिक करेंगे आप, यानी ये वाला। ठीक है, वो यहाँ पे पूछ रहा है कि रेफरेंस नंबर क्या है, यहाँ पे अपने के इलेक्ट्रिक पे जो आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर जैसे ये पूछ रहा है यूटिलिटी, टाइम, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर नीचे लिख देंगे रेजिडेंशियल, फिर नीचे आप लिख देंगे के इलेक्ट्रिक है तो के ई लिख देंगे, या जो भी आपका है वो आप लिख के ओके कर देंगे, तो यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी जहाँ पे एक आप अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने फर्स्ट करें, यहाँ पे मैंने लिखा यूटिलिटी, अकाउंट नंबर लिख दिया कुछ, 1234567 अकाउंट नंबर है फर्स्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख दें रेजिडेंशियल है, फिर आप यहाँ लिख दें के इलेक्ट्रिक है तो ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देखें इस तरह की विंडो आ गई। यहाँ पे आप लिख देंगे जैसे इन्होंने पूरे साल में कितना भरा है, 42,270। ठीक है, और उस पर टैक्स कितना पे किया, 5969। ठीक है, 5969। अच्छा, ये जो तो टैक्स कैलकुलेशन है ये मैं कोई परसेंटेज से नहीं कर रहा, ये इस तरीके से कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिल है उस पर आप देखें, फ़र्ज़ करें 5,000 का अगर आपका बिल है तो उस 5,000 का ब्रेकअप होता है कि उस 5,000 में से हो सकता है 4,800 आपका टोटल बिल हो और 200 रुपये जनरल सेल्स टैक्स आ रहा होगा। ठीक है, तो ये वहाँ से किया, यानी ये एक एक्सेल की फ़ाइल आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लिखेंगे जून, सॉरी जुलाई डैश 20, सही है, जुलाई से लेके आप इसको बनाएंगे जून तक का। ठीक है, यहाँ पे आपने फर्ज कर लिखा के इलेक्ट्रिक, अब आप पूरे मंथ का आप लिखें यहाँ पे, लेके यहाँ से लिखें, हर महीने आपने कितना बिल दिया, फिर
तो इसमें आपका टैक्स कितना कट रहा है, यानी उस फ़र्ज़ करें 5,000 का अगर बिल था जुलाई में, उसमें फ़र्ज़ करें 200 रुपये आपका टैक्स था, ठीक है। तो उस तरीके से आप पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे टोटल कर लें, ठीक है। तो बिल का जो भी टोटल है वो यहाँ आ जाएगा, और टोटल आपने उसमें टैक्स कितना दिया वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख देंगे कि आपने टोटल बिल इतना दिया और उसके अंदर टैक्स कितना दिया आपने, इतना, ठीक है जी। ये हो गया, इस तरीके से आप सारे बिल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालते जाएंगे। फिर टेलीफोन है तो पीटी सेल का कर देंगे, सेल फोन यानी आप जिसका भी सेल फोन यूज़ करते हैं, यानी टेलीनॉर है आपका, यू फोन है, जो भी है, वो सर्टिफिकेट आपका वेबसाइट से लेना पड़ेगा या उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके आपको लेना पड़ेगा ई स्टेटमेंट या टैक्स सर्टिफिकेट, ठीक है। जब सॉरी सेल फोन बिल का मतलब ये है, ये पोस्ट पेड अगर है, और अगर प्री पेड है तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरनेट बिल, अगर आप कोई रजिस्टर्ड कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे जोंग का यूज़ कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल दें। अच्छा, उसके बाद जो है आप यहाँ पे, अब आप देखें यहाँ पे अब आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, सिवाय इसके कि आपने यहाँ पे सारे बिल्स की इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। सारे बिल्स की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे दी, कैलकुलेट पर आपने क्लिक किया, एक दो दफ़ा और कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कैलकुलेशन आ गई कि 5969 और 4135 टोटल बन गए इतने, यानी आपने इतनी अमाउंट जो है आपने, ये यहाँ से कैलकुलेट होके आ रहा है कि आपने पूरे साल में कितनी अमाउंट दी इतनी, और उसमें आपने टैक्स कितना दिया इतना, ठीक है। तो ये आपकी ये टैक्स की कैलकुलेशन हो गई, सैलरी की भी आ गई और नीचे बिल्स जो आपने दिया वो भी आ गया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए कंप्यूटेशन में, तो कंप्यूटेशन में देखें कुछ भी नहीं है, ये सिंपली ये बता रहा है कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आई, इतनी आई, ठीक है। उसने बताया कि टैक्स कितना चार्ज हुआ आप पे, तो ये वही कैलकुलेशन है 10,034 रुपये, जो कि यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 10,104। यहाँ पे हम नीचे आएंगे ना, तो ये देखें आप यहाँ पे 10,104 ये हुआ है जो विदहोल्डिंग टैक्स आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका टैक्स चार्जेबल, आपको कितना चार्ज होना चाहिए, तो आपको 10,034 का टैक्स चार्ज होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपने टैक्स कितना पे किया, आपने 10,104 आपने टैक्स पे किया है, ठीक है। ये जो एडजस्टेबल टैक्स है यहाँ पे, जो ये अमाउंट आ रही है 10,104, ये वो टैक्स है जो कि आपने पूरे साल में पे किया है, ठीक है। कंप्यूटेशन में वो बता रहा है कि भाई इतनी सैलरी के, यानी आप पे टैक्स कितना चार्ज होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, ठीक है, 10,034 टैक्स होना चाहिए था आप पे चार्ज, लेकिन आपने पूरे साल में कितना पे किया, आपने 10,104 किया है। तो ये कह रहा है रिफंडेबल, यानी 70 रुपीज़ का आपको रिफ़ंड होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें कि आप जब ये बना रहे हो तो ये आप यहाँ पे अमाउंट आपके रिफ़ंड में ही आए, यानी फ़र्ज़ करें अगर ये एडमिटेड में आ रहा होता, इसके अंदर आ रहा होता, तो इसका मतलब ये होता कि आपको इतनी जो भी अमाउंट आ रही होती वो आपको उल्टा और पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन रिफंडेबल में आ रहा है तो ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, इसका मतलब है ये सही है। अब रिफंडेबल में भी ये नहीं है कि वो आपको रिटर्न करेंगे, उसका प्रोसीजर अलग है, लेकिन उतना 70 रुपये के लिए आप क्या इतनी मगजमारी करेंगे, या जितना भी आ रहा कौन इतने उसमें गहराई में जाएगा, वरना फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन होंगी कि ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट। सो इट्स बेटर कि बस सही है, रिफंडेबल में आ रहा है इतना, बस सही है, यानी आपने यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी सही है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन क्लोज हो गया 114 वाला, ठीक है। ये जो 114 सेक्शन है, ये आपका सेक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। अब आप आएंगे वेल्थ स्टेटमेंट पे, ठीक है। वेल्थ स्टेटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे आपको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं, सही है।
सबसे पहले आप क्या करें, आप सबसे पहले आ जाइए पर्सनल एसेट्स में, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप ये देखें, यह आपको शो कर रहा है आपका अकाउंट नंबर, ठीक है। ये आपको आपका अकाउंट यानी इस सेक्शन में जो है आपको अपने अकाउंट की डिटेल देनी है, यानी आपके पास फर्ज करें अगर एक बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है, तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे और अपने बैंक की डिटेल देंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, पूरा उसका एड्रेस डालेंगे, ऐसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस एज पर 30 नवंबर जो आपको बैंक स्टेटमेंट मिली होगी, वो अमाउंट आपने यहाँ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, आपके पास अगर कोई बाइक है उसकी वैल्यू यहाँ पे आप लिख दें, ठीक है। आपके पास कोई ज्वेलरी है उसकी इन्फॉर्मेशन अमाउंट में लिख दें, हाउस होल्ड की कोई चीज़ें, घर की चीज़ें, कुछ भी हो सकता है वो लिख दें। पर्सनल आइटम में लिख दें कि आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, या डिफरेंट गैजेट्स हैं कुछ महंगे, तो उसकी अमाउंट लिख दें अप्रॉक्स, कि फर्ज करें आपके पास 30,000 का मोबाइल है, आपके पास 20,000 के कुछ चीज़ें हैं, वो आप लिख दें। कैश लिख दें कि कितना कैश है आपके पास, ठीक है। तो ये सब जब इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा होगा, और ये देखें आपके पास अमाउंट टोटल एसेट्स इन पाकिस्तान लिखी हुई आ रही होगी, यानी आपके पास इतने एसेट्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो आप ऐड कर दें, नहीं है तो इसको बस ब्लैंक रहने दें, छोड़ दें, ठीक है। अब आप आ जाएंगे पर्सनल एसेट्स पे, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप आ जाएंगे रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, यानी यहाँ पे जब आप आएंगे तो नेट एसेट्स करंट ईयर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ला रहा होगा, ठीक है। नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ला रहा होगा, ठीक है। अब ये जो है इनफ्लो यानी 7031 इनकम डिक्लेयर्ड एज पर, यहाँ पे आपने वही इनकम लिखनी है जो आपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट सैलरी में डाली थी, जो कि थी 800678, ठीक है। आप यहाँ पे सैलरी लिख देंगे 800678, ठीक है। कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे, कैलकुलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने अपना इन्फ्लो शो कर दिया। अब आप नीचे आएंगे, अब नीचे आप देखें ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ये हमेशा नेगेटिव में ही आनी चाहिए। नेगेटिव में आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन, यानी अब आपने ये डिक्लेयर करना है कि ये जो नेगेटिव अमाउंट आ रही है आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस अब आपने शेयर करने हैं, और थोड़ी कैलकुलेशन आपने चेंज करनी है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन सही आ सके और ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो जाए। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट लाजमी है कि आपने इसको ज़ीरो करना है, अगर ज़ीरो नहीं करेंगे तो आपका टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं होगा, सेव भी नहीं होगा, तो इसको आपने ज़ीरो करना होगा, ठीक है। ज़ीरो कैसे करेंगे, अच्छा ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएंगे, ये आपका एक्सपेंसेस का कॉलम खुल गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपने कैलकुलेशन इस तरीके से लिखनी है कि ये आपका ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ये ज़ीरो हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट 800678 लिखा हुआ है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे गए 800678 लिखा, ठीक है, कैलकुलेट किया, एक दो दफ़ा क्लिक किया, दोबारा यहाँ आए, ये देखेंगे ज़ीरो हो गया, ठीक है। यानी अब आप इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन हर एक की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखें, ठीक है, सारा कुछ इसमें ना डालना। देखें
इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, ये तो आप आराम से डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है कि आपने बिल कितना दिया है पूरे साल में। जो आपने एक एक्सेल शीट बनाई थी, वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देंगे कि आपने पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन कितना का बिल दिया, और यहाँ आप लिख दें, ठीक है। फर्ज करें आपने इलेक्ट्रिसिटी का पूरे साल में बिल दिया 30,000, ठीक है। वाटर का आपने दिया फर्ज करें 3,000, गैस का फर्ज करें आपने दिया 12,000, फोन का आपने दिया 6,000, सही है। अभी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये बनते हैं कितने, 51,000, ठीक है। मैं रिकन्सिलेशन पर जाऊँगा तो वो देखें, वो दिखा रहा है कि पर्सनल एक्सपेंसेस कितने, 51,000। यहाँ पे देखें कुछ अमाउंट कम हो गई, ठीक है, लेकिन अभी भी 7 लाख अपलॉक्स, 7.5 लाख का अभी भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब ये कि अभी आपने यहाँ पे और चीज़ें भरनी है। फर्ज करें आप किराए के घर में रहते हैं तो यहाँ पर रेंट लिख दें, ठीक है। अगर आपके कोई गाड़ी है तो पूरे साल में कितना मेंटेनेंस खर्चा किया वो लिख दें। ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा किया आप, फ़र्ज़ करें शहर, कहीं दूसरे शहर गए या आप ऑफिस जाते हैं, बाइक से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, उसे किराया है, पेट्रोल है, तो वो कुछ 50,000 करीब फ़र्ज़ करें अगर आपका होता है, और वो आप लिख दें यहाँ पे, ठीक है। मेडिकल पूरे साल में आपका कितना खर्च हुआ, अगर आप 1 लाख अप्रॉक्स फ़र्ज़ करें। एजुकेशन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं फ़र्ज़ करें, उसमें भी आपके 1 लाख रुपये लग गए, ठीक है। फंक्शन गैदरिंग है, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन होते हैं साल में, तो हो सकता है आपने 60,000 रुपये उसमें खर्च कर दिए। डोनेशन है, ज़कात आप देते होंगे, डोनेशन है आपकी कुछ फ़र्ज़ करें आपने 50,000 उसमें खर्च किए। अब अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये देखें बन रहे हैं 4,11,000 रुपये। यहाँ पर मैं आता हूँ तो देखें 4,11,000 रुपये, लेकिन अभी भी ये कुछ 389 लाख की अमाउंट अनरिकनसाइल्ड है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे यही अमाउंट लिख दूँ, कितनी आ रही है 389,678, यहाँ पे मैं लिख दूँ 389,678, ठीक है। कैलकुलेट किया मैंने, रिकनसाइल्ड पे आया तो ये देखें ये बराबर बैठ गई अमाउंट, और यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ये आ गई, ठीक है। एक चीज़ जो इसमें ये है कि देखें यहाँ पे ये मैंने इसको चेंज नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे मुझे मेंशन करना है अपना करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस क्या था। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ कि मेरा इस साल का क्लोजिंग बैलेंस फ़र्ज़ करें 28 लाख है, ठीक है, ये मैंने चेंज नहीं किया था, ठीक है। अब आप देखेंगे, ये देखें ये हुई 28 लाख करंट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे उस तक गलती ये हो गई थी कि पर्सनल एसेट्स में यहाँ पे मैंने इस अमाउंट को चेंज नहीं किया था, ठीक है, यानी मैंने अपना क्लोजिंग बैलेंस नहीं डाला था। तो यहाँ पे मैंने अभी अपना क्लोजिंग बैलेंस डाला है, कैलकुलेटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें कैलकुलेशन चेंज हो गई, ठीक है। वो कह रहा है कि आपका इस साल करंट एसेट्स ये हैं, ठीक है, यानी अब 28,99,000 कैसे आ रहा है, 28 लाख वो हैं जो आपके अकाउंट में थे, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ये देखें 28,99,922 रुपये टोटल एसेट्स इन पाकिस्तान आ रहा है, वही आपके करंट एसेट है इस साल के, ये आपका पिछले साल का था। तो वो कह रहा है कि आपके एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ हुआ है, यानी पिछले साल था 28,27,000, इस साल हो गया 28,99,000, यानी 72,203 की इंक्रीज़ हुआ है। वही है कि वो यहाँ पे अनरिकनसाइल में आ रहा है, तो 72,203 को मैं क्या करूँगा, पर्सनल एक्सपेंस में जाऊँगा, और ये जो अमाउंट है 389,678 प्लस 72,203 था शायद, तो 461,881 किया मैंने, ठीक है। कैलकुलेट किया, यहाँ आया, ज़्यादा हो गया ये, डेट मीन्स के 144,408
अच्छा देखें, पर्सनल एक्सपेंस पहले ये था, इसको मैं इसमें से दोबारा माइनस करता हूँ। पहले था ये कितना, 4600 माइनस 72,203, 389,678 था, 389,678 था। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ रिकनसेलेशन पे। अच्छा ये देखें, पॉजिटिव में वैल्यू आ रही। मैंने पहले आपको क्या बताया था कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट नेगेटिव में आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव में आ गई है। इसका मतलब ये है कि ये मुझे अपने एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस नहीं बल्कि मुझे अपने एसेट्स में 72,203 किसी ना किसी चीज़ में कम करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपेंस में जाऊँगा, मैं एजुकेशन में 30,000 कर देता हूँ, बल्कि 30 नहीं 28, पहले करके देखता हूँ, 28,000 करके देखता हूँ। ठीक है, ये देखें कम हो गई अमाउंट। ठीक है, तो मुझे 203 रुपये जो हैं और कहीं से कम करने हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं वाटर में, वाटर नहीं, मेडिकल में 1,00,000 में से माइनस कर देता हूँ 203, 99,797, 99,797। ठीक है, ये मैंने कर दिया कैलकुलेट। अब देखें मेरी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो गई। ठीक है, इसका मतलब है मैंने ये सही, सारी इंफॉर्मेशन सही फिल कर दी है। ठीक है, अनरिकनसाइल्ड मेरा ज़ीरो हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद, अच्छा बीच बीच में आप सेव पे क्लिक करते रहा करें ताकि आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती रहे। ठीक है, ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है अटैचमेंट में, यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे सारी आपकी जो भी बैंक स्टेटमेंट है, जो भी गाड़ी के पेपर्स हैं, बिल्स हैं, उन सब की PDF बना के, अलग अलग फाइल बना के आपने यहाँ पे आपको अटैच करते रहना होगा। ठीक है, सारी फाइल्स यहाँ पे आप अटैच करें ताकि वो एज अ प्रूफ रहे। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके पास आपका पिन कोड सेव होना चाहिए। अब ये आपको जब आपने अकाउंट बनाया होगा तो आपको एक पिन कोड मिला होगा, तो वो आपके पास सेव होगा। आप पिन कोड डालेंगे, वेरीफाई पिन पे क्लिक करेंगे, वो आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि कोड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद आप चाहें कि आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी एक ड्राफ्ट निकाल लूँ, तो आप प्रिंट पे क्लिक करके इस पर PDF ड्राफ्ट फाइल निकाल सकते हैं, जिसको आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही लग रही है, फिर आप ये सबमिट का जो बटन है इस पर क्लिक कर दें। वो आपसे पूछेगा कि क्या आप श्योर हैं, अगर आप श्योर हैं तो फिर आप ओके कर दें, तो ये सबमिट हो जाए। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसमें फिर कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि प्रॉपरली सारी चीज़ें चेक करके फिर आप फाइल कीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सही से क्लैरिटी मिल गई होगी, सही से समझ में आ गया होगा कि एक नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉई अपना रिटर्न खुद भी भर सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको डाटा थोड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट आप कर लेंगे। ठीक है, बजाय इसके कि आप दूसरों को पैसा दें, खुद बैठ के आप अपना फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट से पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।